निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल आठ के सत्र पर्यावरण अध्ययन के शैक्षणिक आयाम में आपका स्वागत है आइए को प्रारंभ करने से पूर्व हम एक निगाह प्रशिक्षण के अधिगम प्रतिफलों पर डालते हैं इस प्रशिक्षण को करने के उपरांत आप सक्षम होंगे पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत चयनित विषयों एवं उप विषयों के अवधारणाओं को समझने में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु रणनीतियों का निर्माण करने में विभिन्न छात्रों की व्यक्तिगत के अनुसार शैक्षणिक संसाधनों का चयन करने में और इसी के साथ साथ छात्रों में पर्यावरण के प्रति तार्किक चिंतन संवेदनशीलता अन्वेषण समस्या समाधान आदि प्रवृत्तियों को विकसित करने में हम इस प्रशिक्षण के उपरांत सक्षम हो सकेंगे। आइए इस प्रशिक्षण को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम सर्वप्रथम यह जान लें कि इस प्रशिक्षण के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर अपने विचार साझा करेंगे हमारे प्रशिक्षण का पहला बिंदु रहेगा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विषय उपविषय, विषय एवं अवधारणा की समझ द्वितीय बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण रणनीतियाँ एवं संसाधन के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारा तृतीय बिंदु रहेगा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण अधिगम रणनीतियां और चतुर्थ और अंतिम बिंदु पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अधिगम संसाधन आइए इस प्रशिक्षण में सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विषय उपविषय एवं अवधारणा की समझ पर एन 2005 के अनुसार यदि हम कक्षा तीन से पांच की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर किसी मूल विषय की अवधारणा पर केंद्रित न होकर विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण विषय की मिली जुली अवधारणाओं पर आधारित है जिसके अंतर्गत परिवार एवं संबंध कार्य और खेल भोजन जल जानवर पौधे आश्रय यात्रा संप्रेषण और चीजें जो हम बनाते और करते हैं आदि जैसे विषयों एवं उप विषयों को सम्मिलित किया गया है जिनका उद्देश्य बच्चों को अपने आसपास के से जोड़ते हुए पर्यावरण के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना है एक सुगम के रूप में कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमारा आज का कक्षा शिक्षण का विषय एवं उसका उप विषय क्या रहेगा उप विषय को विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण से जोड़ते हुए उसकी मूल अवधारणा क्या रहेगी इस मूल अवधारणा के द्वारा हमारे छात्रों की अधिगम संप्राप्ति क्या होगी इसी के साथ हम निर्धारित अधिगम संप्राप्ति को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियों से छात्रों को गुजरने का अवसर देंगे और उन रणनीतियों में हम किन संसाधनों का उपयोग करेंगे आइए इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट रूप से समझते हैं उदाहरण के तौर पर हमने छात्रों के लिए जल विषय का चयन किया जिसके कई उपविषय हैं, जैसे जल का उपयोग जल के स्रोत जल की बचत जल के गुणधर्म जल का भंडारण एवं जल प्रदूषण उसका प्रभाव व कारण एवं निवारण इन विषयों को उप विषय के साथ जोड़ते हुए हमें इसकी अवधारणा तक पहुंचना है यह अवधारणा पर्यावरण सामाजिक विषय एवं विज्ञान से जोड़ के हमें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करनी है जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एक विषय के कई उप विषय हो सकते हैं, अतः कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक है कि हम अपने विषय एवं उसके उप विषय का चयन पहले से ही कर लें। मान लीजिए हम विषय के रूप में जल एवं उप विषय के रूप में जल की उपयोगिता को कक्षा शिक्षण के लिए चयनित करते हैं विषय एवं उप विषय के चयन के पश्चात आवश्यक है कि हम मूलभूत अवधारणा का भी निर्धारण पहले से कर लें कि इस विषय को छात्रों के के साथ साझा करने बाद छात्र किस मूलभूत अवधारणा से परिचित हो सकेंगे जल की उपयोगिता के अंतर्गत हम अपने छात्रों को परिवार पौधों, जानवरों आदि हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जल का उपयोग आवश्यकता एवं महत्व की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं इसी के साथ हम जल के अपवे के परिणाम भी छात्रों को बता सकते हैं मूलभूत अवधारणा के पश्चात आवश्यक है कि हम यह भी निर्धारित कर लें कि हमारे छात्र इस अवधारणा के द्वारा किस अधिगम संप्राप्ति तक पहुंचेंगे मान लीजिए इस मूलभूत अवधारणा को स्पष्ट करने के बाद हमारे छात्र दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जल का उपयोग एवं के प्रणामों को सूचीबद्ध कर लेंगे। इस अधिगम की प्राप्ति हेतु हमारी क्या रणनीतियां होंगी इनको भी पहले से सुनिश्चित करना अति आवश्यक है जल की उपयोगिता छात्रों से साझा करते हुए हम छात्रों की भी चर्चा करा सकते हैं या उन्हें अपने आसपास परिवेश में जल की उपयोगिता पर साक्षात्कार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं हम पास के तालाब नदी या नलो के अवलोकन हेतु छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर भी ले जा सकते हैं और इसी के साथ साथ हम कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष में ही जल के अपव्यय के परिणाम या विभिन्न क्षेत्रों में जल के उपयोग पर छात्रों के द्वारा भूमिका निर्वहन कराकर भी छात्रों को मूलभूत अवधारणा से रूबरू करा सकते हैं। रणनीतियों के निर्धारण के बाद संसाधनों का चयन करना भी हमारे लिए बेहद आवश्यक है संसाधनों के रूप में हम जल की उपयोगिता पर छात्रों के साथ चित्र वीडियो या तालिका एवं प्राकृतिक वातावरण आदि साझा कर सकते हैं इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने कक्षा शिक्षण को बेहद रुचिकर और ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं आइए यहाँ पर हम एक वीडियो का आनंद लेते हैं कक्षा पाँच की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव में आपने पर्यावरण प्रेमी रमैया के विषय में जरूर पढ़ा और छात्रों को पढ़ाया होगा आइए एक ऐसे ही रमैया से मैं आज आपको मिलवाती हूँ ये है विद्यालय उमरदा कन्नौज के इंचार्ज प्रधान अध्यापक प्रदीप राजपूत जी छात्रों को पर्यावरण पढ़ाने का इनका अपना अंदाज है कभी ये अपने छात्रों को वाष्पोत्सर्जन गुरुत्वाकर्षण एवं पेड़ पौधों के लिए जल की उपयोगिता को प्रयोग द्वारा स्वयं अनुभव करने का अवसर देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर छात्रों जन प्रतिनिधियों एवं समुदाय के साथ मिलकर पूरे गांव में भूजल पुनर्भरण हेतु हैंडपंप्स को तालाब से जोड़ने की मुहिम चलाते हैं स्वच्छता पखवाड़ा आसपास जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं हमारे सहयोगी के रूप में विभिन्न व्यवसायों में भूमिका निर्वहन के अवसर भी ये छात्रों को उपलब्ध कराते हैं। परिवेश में सहयोग एवं संवेदनशीलता हेतु ये छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में अंशदान नेकी की दीवार आदि के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसी श्रृंखला में अपने छात्रों को स्वयं करके सीखने और अनुभव करने का अवसर देने हेतु इन्होंने अपने विद्यालय में छात्रों को जैविक खाद बनाने हेतु प्रेरित किया जिसके अंतर्गत विद्यालय में वितरित होने वाले फल एवं बनने वाली सब्जियों के छिलकों को एकत्र किया गया एवं कुछ समय के लिए उन्हें गड्ढे में मिट्टी के साथ दबाया गया शिक्षक की निगरानी में जब यह खाद बनकर तैयार हुई तो इस खाद का प्रयोग विद्यालय के उपवन पर करके देखा गया जिसके सुखद परिणामों को छात्रों ने भी आत्मसात किया आज यह विद्यालय अपने उपवन में तैयार किए हुए पौधों को अन्य विद्यालयों में वितरित करता है एवं छात्र छात्राओं विद्यालय के परिजनों परिवार के सदस्यों को जन्मदिन के उपहार स्वरूप भेंट करता है आइए अब विचार करें कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इस तरह की गतिविधियों को सम्मिलित करने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं अरे आप तो किसी गहन सोच में डूब गए आइए इस प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में देखते हैं एनसीएफ 2005 की मांग है कि छात्रों को विद्यालय के साथ उन्हें विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ा जाए स्वयं से घर परिवार विद्यालय और धीरे धीरे विस्तृत परिवेश की ओर ले जाया जाए वास्तविक स्थितियों से रूबरू होने के अवसर दिए पर भाषाओं के स्थान पर अनुभव अवलोकन अभिव्यक्ति लर्निंग प्रयोग आदि के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराए ताकि विषय की गहरी समझ के साथ उनमें औपचारिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि हो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण रणनीतियों एवं संसाधनों के निर्धारण से पूर्व आवश्यक है कि एक बार हम विचार कर लें कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन और रणनीतियों के निर्धारण हेतु हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा हमारा पहला बिंदु है शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम जिस भी संसाधन और रणनीति का चयन कर रहे हैं वह छात्र को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हो इन प्रक्रियाओं के द्वारा छात्र की मनोशारीरिक स्थिति पर किसी भी तरह का नकारात्मक दबाव न पड़ता हो इनके साथ में छात्र रुचिकर एवं आनंदमय तरीके से ज्ञान का सृजन कर सके इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों के अनुभवों को प्रधानता दी जाए हमारी शिक्षण प्रक्रियाएं छात्रों को अवलोकन करने अभिव्यक्त करने चर्चा प्रश्न तर्कपूर्ण चिंतन आदि के अवसर उपलब्ध कराने वाली हो ताकि छात्र स्वयं के ज्ञान का कर सृजन करके नए ज्ञान को मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ सकें। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की हों जिसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए हमारी शिक्षण प्रक्रियाएं छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करने वाली हो इसी के साथ शिक्षण प्रक्रिया बुनियादी भाषा कौशल विकसित करने वाली हो इस बात का भी ध्यान हमें संसाधन और रणनीतियों का चयन करते समय रखना होगा पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु संसाधन और रणनीतियों में विविधता हो ताकि प्रत्येक छात्र को प्रतिभाग करने का अवसर मिल सके जिसके अंतर्गत छात्र स्वयं को प्रस्तुत कर सके विश्लेषण कर सके व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रतिभाग कर सके हमारी शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की हो जिसमें छात्रों के अधिक से अधिक संवेदी अंगों की भागीदारी तय हो ताकि छात्र अपने इस ज्ञान को स्थायी कर सके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक मात्र एक सुगमकर्ता के रूप में हो जो छात्रों को अपने नए ज्ञान के सृजन में सहायता प्रदान करे उनके लिए चुनौतीपूर्ण अवसर लाए ताकि छात्र स्वयं के अनुभव और अवलोकन के आधार पर औपचारिक ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान की ओर बढ़े पर्यावरण अध्ययन हेतु शिक्षण संसाधन के रूप में हम मुद्रित पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पूरक व संपूरक पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं ये पुस्तकें हमें विद्यालय के पुस्तकालय एवं आस पास से भी प्राप्त हो सकती हैं। इसी के साथ साथ विषय के अनुसार चयनित ऑडियो वीडियो चित्र तालिका एवं कार्टून आदि भी हमारे शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं साथ ही में हम छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने हेतु प्राकृतिक और निर्मित वातावरण का भी संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण संसाधन के रूप में हम विशेष क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों एवं विभिन्न व्यक्तित्वों द्वारा प्राप्त जानकारी को भी छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से साझा करके शिक्षण संसाधन के रूप में अपना सकते हैं। इन माध्यमों को आधार बनाकर यदि हम शिक्षण कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमारा शिक्षण बेहतर रहेगा आइए शिक्षण संसाधन के बाद में हम पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण रणनीतियों पर भी एक निगाह डालते हैं शिक्षण रणनीतियों के अंतर्गत परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट वर्क चर्चा एवं अनुभव प्रयोग और अन्वेषण सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार भूमिका निर्वहन या कहानी क्षेत्र भ्रमण कला एवं क्राफ्ट और प्रश्नोत्तर आदि शैलियों को हम रणनीति के रूप में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शामिल कर सकते हैं परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में छात्रों को दिया जा सकता है इसके अंतर्गत निर्धारित विषय को छात्रों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करके देना होता है आइए इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। अपने बुजुर्गों एवं माता पिता से उनके समय में पानी की उपलब्धता के विषय में पता कीजिए और वर्तमान में पानी के उपलब्ध संसाधनों से तुलना कीजिए अपने आसपास के कुएं तालाब आदि का अवलोकन करें और उसके विषय में कब बना, किसने बनवाया आदि पता कीजिए चर्चा एवं अनुभव चर्चा समूह में सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम में मदद करती है इसमें बच्चे साथ ही शिक्षक अभिभावकगण आदि एकत्रित होकर किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं अनुभव बच्चों को स्वतंत्र रूप से अव्यक्त करने में मदद करता है जिसके द्वारा छात्रों की झिझक खुलती है और वे खुलकर अपने अनुभवों को साझा करते हैं यदि पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे हरी भरी वनस्पतियां विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा चर्चा कीजिए आपके घर में पानी का नल खराब हो गया तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस दिन आपने कैसे अपने कार्यों का संपादन किया और कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो उस दिन बिना पानी के आप नहीं कर पाए? इस विषय पर छात्रों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर दीजिए प्रयोग और अन्वेषण बच्चों को जांच करने निरीक्षण करने सृजन करने चर्चा करने गंभीरता से सोचने वर्गीकरण विश्लेषण तर्क और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग और अन्वेषण प्रेरित करता है हम कक्षा कक्ष में छात्रों के साथ पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया या पानी में क्या तैरता और डूबता जैसे प्रयोग करवा सकते हैं और स्वयं छात्रों को अन्वेषण करने के अवलोकन करने के अवसर दे सकते हैं सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए जानकारी प्राप्त करने एकत्रित करने और उपयोग करने में सर्वेक्षण और साक्षात्कार मदद करता है उदाहरण के तौर पर हम छात्रों को विद्यालय पास पड़ोस में पानी के पर सर्वेक्षण करने का अवसर दे सकते हैं और किसान माली, ड्राइवर आदि का साक्षात्कार करने का अवसर उपलब्ध करा सकते हैं भूमिका निर्वहन या कहानी भूमिका निर्वहन के अंतर्गत हम विषय वस्तु पर छात्रों को एक कहानी बनाकर भूमिका के निर्वहन हेतु प्रेरित करते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों में भाषा कौशल के साथ में अभिव्यक्ति करने का कौशल विकसित होता है उनकी झिझक भी दूर होती है हम किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कहानी को भी माध्यम बना सकते हैं। कहानी हर आयु वर्ग के छात्रों के आकर्षण का केंद्र रहती है उदाहरण के तौर पर हम पानी का अपव्यय और उसके परिणाम पर छात्रों को कहानी सुना सकते हैं और जीव जंतुओं की हमारे जीवन में उपयोगता पर भूमिका निर्वहन करवा सकते हैं क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत हम छात्रों को आसपास के परिवेश में स्वयं अवलोकन करने का अवसर दे सकते हैं जिसके द्वारा छात्र स्वयं अनुभव करके अपने व्यवहारिक ज्ञान का सृजन करते हैं उदाहरण के लिए अपने पास के तालाब नदी देखने जाइए और पता कीजिए यह किन-किन कारणों से प्रदूषित हो रही है और अपने आसपास बने हुए घरों का अवलोकन कीजिए और उनके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की सूची बनाइए पता कीजिए कि आपके गांव में अधिकांशतः घर सामग्री के बने हुए हैं कला एवं क्राफ्ट कला एवं क्राफ्ट के द्वारा हम छात्रों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत रचनात्मक अभिव्यक्ति रुचकर अभिव्यक्ति करने का अवसर दे सकते हैं उदाहरण के तौर पर भूमिगत जल के पुनर्भरण का मॉडल बनाइए और जल चक्र पर कोलास बनाइए प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम छात्रों के साथ पहेली कार्यपत्रक, पत्रक जिक्सो आदि पर छात्रों को प्रश्न और उनके उत्तर खोजने हेतु सक्रिय रखकर अपने ज्ञान के सृजन का अवसर दे सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र कि इस सत्र में हमने विभिन्न संसाधनों एवं रणनीतियों के विषय में जाना इन संसाधनों एवं रणनीतियों का चयन करते समय हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि संसाधन सामग्री के अतिरिक्त कक्षा कक्ष का वातावरण एवं प्रक्रियाएं समावेशी हो। अर्थात वे सीखने वाले की विविधताओं भिन्नताओं उनकी क्षमताओं उनके संज्ञानात्मक विकास सीखने की गति तरीके आदि को पोषित करें बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके अनुभवों को प्राथमिकता देते हुए उसे विद्यालयी ज्ञान से जोड़ें। अतः सीखने की स्थितियों को विभिन्न तरीकों कार्य नीतियों संसाधनों से जोड़कर प्रत्येक सीखने वाले जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले वंचित वर्ग के बच्चे भी शामिल हों, को अवलोकन, चर्चा, प्रश्न तक चिंतन या अपनी तरफ से कुछ जोड़ने, विश्लेषण करने के अवसर प्रदान करें हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली अब एक गतिविधि करते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु चयनित विषय की अवधारणा की रूपरेखा बनाएं। ईवीएस पाठ्यक्रम देखें और एक विषय का चयन कीजिए इस विषय की मुख्य अवधारणा का चयन कीजिए मुख्य अवधारणा के द्वारा हमें कौन कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त हो रहे हैं सूचीबद्ध कीजिए। इन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने हेतु हम कौन कौन सी रणनीति अपनाएंगे एवं उसके साथ में कौन कौन से संसाधन हम कक्षा में छात्रों के साथ साझा करेंगे निर्धारित करके बिंदुवार लिखिए आशा है यह सत्र आपके लिए उपयोगी साबित होगा धन्यवाद